तो आज हम स्टडी करने वाले हैं मेरिट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। पिछले वीडियो में हमने इसके करिकुलम के बारे में स्टडी कर लिया था, ठीक है। तो आज हम इसके मेरिट्स को स्टडी करें कि बेसिक एजुकेशन के मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है आपका प्रोविजन ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। इसमें जो आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो आपको करना भी सिखाया जाता है कि जो चीज़ आप कर रहे हो, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, वो आप प्रैक्टिकल फॉर्म में भी जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिलोसफिकल बेसिस। इस एजुकेशन का बेस जो था फिलोसफिकल था। इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, लेबर की ज़रूरत के बारे में बताया, उनकी कीमत के बारे में बताया है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बेसिस, साइकोलॉजी को भी इसके अंदर बेस बनाया गया था। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे जुड़ी है, उस चीज़ को भी बेसिक एजुकेशन के अंदर कंसीडर किया गया है, समझाया गया है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी कि कौन सी चीज़ को किसके साथ कैसे और कब रिलेट करना है किस ज़रूरत के हिसाब से, तो आपको इस बेसिक एजुकेशन में ये भी सिखाया गया है। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये जो एजुकेशन है चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि इस एजुकेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड की एजुकेशन के ऊपर फोकस रखा जाता है, उसकी कैपेसिटीज़, उसकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर फोकस रखा जाता है। नेक्स्ट है हारमोनीज एंड कम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसके अंदर जो पर्सनैलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की कंप्लीट पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है पर्सनैलिटी की वो कंप्लीट सोशल हो, चाहे इमोशनल हो, फिजिकल हो या फिर मेंटल ग्रोथ जो भी है, और उसके जो करेक्टर्स डेवलप होने चाहिए सिंपथी के लिए, इमोशंस जो होते हैं प्रॉपर डेवलप होने चाहिए, इसके अंदर उन चीज़ों का जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट है सोशल बेसिस। इस एजुकेशन के अंदर सोसाइटी में अगर किसी को रहना है तो उसके हिसाब से उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप होनी चाहिए उसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक फीलिंग। एस्थेटिक यानी कि उसकी खुद की फीलिंग्स दूसरों के लिए, यानी कि अपने कल्चर के हिसाब से जो उसकी फीलिंग्स होती हैं कैसे डेवलप होनी चाहिए उसकी खुद के कल्चर के लिए भी और अनदर कल्चर के लिए भी, उसके अंदर किसी पर्सन के अंदर, किसी चाइल्ड के अंदर कैसी जो है फीलिंग्स होनी चाहिए ताकि वो अपने कल्चर को तो इम्पोर्टेंस दे ही दे और साथ में जो अदर कल्चर्स की पीपल्स हैं उनको भी पूरा उतना ही इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट दे जितना वो अपने कल्चर को और रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सब था आपके मेरिट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन के। बेसिक एजुकेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही हैं, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं डी मेरिट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। अब हम डी मेरिट्स पढ़ लेंगे बेसिक एजुकेशन के, उसके बाद हमारा जो ये लेक्चर है, हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और साथ में बेल बटन प्रेस कर देना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि डी मेरिट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन क्या होते हैं, यानी कि बेसिक एजुकेशन के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका अनजस्टिफाइड द प्रिंसिप ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि इस बेसिक एजुकेशन के हिसाब से जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी था वो कभी भी क्लियर नहीं होता है, ठीक है। इंडिविजुअल है वो अपने आप से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, वो अपनी स्किल्स से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्किल्ड एंड वेल ट्रेन्ड टीचर्स। इस बेसिक एजुकेशन के अंदर, यानी कि अभी तक आपने पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा तो पिछली वीडियो को चेकआउट कर लेना, कि जो ये एजुकेशन थी बेसिक एजुकेशन, इसके अंदर क्राफ्ट वर्क ज़्यादा सिखाया जाता था। अगर क्राफ्ट वर्क सिखाया जा रहा है तो उसके लिए आपको स्किल्ड और ट्रेन टीचर की ज़रूरत होती है, तो कई बार जो होते थे ट्रेंड और स्किल्ड टीचर्स जो थे वो नहीं मिल पाते थे। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉइंग ऑफ रॉ मटेरियल। इसके अंदर आपको क्राफ्ट वर्क भी सिखाया जाता था तो इसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, और वो जो रॉ मटेरियल था आपको आसानी से नहीं मिलता था, और अगर मिल जाता था तो जो बच्चे होते थे वो जो होते थे पहले से तो ट्रेंड होते नहीं थे, वो तो नई नई एक्टिविटीज़ सीख रहे हैं, ठीक है। तो उस नई नई एक्टिविटीज़ को सीखने के लिए पहले जब प्रैक्टिस सेशन चलता है तो उस रॉ मटेरियल का काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉयशन होता है, यानी कि वो रॉ मटेरियल जो होता है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है प्रैक्टिस सेशन के अंदर। नेक्स्ट है रॉन्ग डिवीजन ऑफ वर्किंग टाइम, यानी कि जो वर्किंग टाइम होता था बच्चों का और जो टीचर का था वो कभी भी सेट नहीं आता था। कभी कोई टीचर फ्री है तो वो सिखाता था, फिर अगला टीचर उसी टाइम पे मान लो आ गया, वो पहले वाला तो टीचर सिखा रहा है वो भी अपना काम बीच में तो नहीं छोड़ सकता, अगर छोड़ भी रहा तो वहाँ पे बच्चों का लैग हो रहा है, और अगर नेक्स्ट टीचर जो बाद में आया वो सिखाना चाहता है नहीं सिखा पाया तो उसका भी लैग हो रहा है। तो यानी कि जो डिवीजन था वर्किंग टाइम का वो काफ़ी ज़्यादा गलत था। नेक्स्ट है
अनसुटेबल फॉर सिटीज़, यानी कि जो बेसिक एजुकेशन के अंदर क्राफ्ट एजुकेशन थी उसके लिए जो सिटीज़ का माहौल था वो सुटेबल नहीं था। नेक्स्ट है आपका समटाइम्स नेग्लिजेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, कई बार टेक्स्ट बुक्स को मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। अगर जो मान लिया कि टीचर जो है स्किल्ड है, ठीक है, अच्छे तरीके से उसको हर चीज़ आती है एक्सप्लेन करनी, और टेक्स्ट बुक का ज़्यादा यूज़ नहीं करा, दैट्स ओके फाइन। बट अगर टीचर को बहुत ज़्यादा स्किल्ड भी नहीं है, अगर वो नया नया एक्सपीरियंसिंग इंडिविजुअल या फिर टीचर है और ठीक है उसको इतनी ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ और जो भी उनका टास्क है बहुत अच्छे से नहीं आता, तो उसको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत होती थी। और कई कई बार तो वो जो टीचर्स होते थे न्यूली जो अभी बन रहे एक्सपीरियंसड नहीं थे वो भी टेक्स्ट बुक को नेग्लेक्ट कर देते थे, तो जो कि सही चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट है मोर एम्फेसाइज ऑन द क्राफ्ट, कि जो बेसिक एजुकेशन थी क्राफ्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखती थी। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी कि जो मैन्युफैक्चर किए जाते थे किसी भी थिंग्स को प्रिपेयर किया जाता था ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन और द रिजल्ट सेशन, कि जो भी बच्चे क्राफ्ट बना रहे होते थे, ठीक है, जो बन के बाहर आता था यानी कि मैन्युफैक्चर हो जाता था वो सामान, अब उसको डिस्पोज करना या फिर डेली यूज़ में लेके आना बहुत आसान तो नहीं था। अब कहाँ उस पर्सन को ढूंढेंगे कि वो उस चीज़ को यूज़ करे ही करे, ठीक है। तो कई बार होता था जो जिस इंडिविजुअल को ज़रूरत हो उस चीज़ की वो नहीं मिल पाता था सही टाइम पे, तो उस चीज़ को डिस्पोज करना था होता था और बच्चे की इतनी मेहनत लगी होती थी उस चीज़ों पे कि उसको डिस्पोज करना भी सही नहीं लगता था, इसलिए डिस्पोजिंग का जो प्रॉब्लम था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपका ये जो वीडियो है यानी कि जो टॉपिक है आपका आज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इसके बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अवेलेबल, आप उस पर क्लिक आउट करो और आप देख सकते हो इसके जो भी बाकी के पार्ट्स थे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर इस वीडियो।